अमृतपाल सिंह समेत डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद गुरमीर सिंह ढुक्कणवाला तो बाद हुण भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजे के कुलवंत सिंह राय तो बसंत सिंह ने भी जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके गिरफ्तारी के हुक्मों नूं रद्द करन दी जिहड़ी कि उह मंग कीती है। वीरवार को इस पटीशन से सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिना कोई नोटिस जारी किए जिहड़ा कि सुनवाई सोमवार तक मुलतवी कर दी है। तो पटीशन दे विच तिन्हां ने यही कहेगा कि उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल दे विच गैर कानूनी तरीके दे नाल रख्या गया गा अते उन्होंने जेल तो रिहा किया जाए। वारस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए 18 मार्च को पूरे पंजाब दे विच एक मैगा ऑपरेशन जिहड़ा कि शुरू किया गया सी। भावें अमृतपाल सिंह नूं 23 अप्रैल नूं मोगा दे रोडे पिंड तों कथित तौर ते गिरफ़्तार किया गया सी, पर ऑपरेशन शुरू होण तों एक महीने बाद ही जिहड़ा कि अमृतपाल सिंह दे कई साथियों नूं गिरफ़्तार भी कर लिया गया सी। उसे दिन 18 मार्च नूं ही जिस दिन यह ऑपरेशन जिहड़ा कि है शुरू किया गया सी तां उन्हां नूं डिब्रूगढ़ जेल दे विच गिरफ़्तार करके उन्हां नूं भेज दिता गया सी। NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत असाम दे विच इह तिन्ने भी जिहड़े कि उन्हां दे विच शामिल सी जिन्हां नूं गिरफ़्तार किया गया, तो इन्हां तिन्नां ने हुण हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके अपनी गिरफ़्तारी नूं गैर कानूनी करार दिंदिआं गिरफ़्तारी दे हुक्मां नूं रद्द करन ते जिहड़ा कि है रिहाई की मंग की है। तो इन्हां तिन्नां ने अमृतपाल सिंह दा समर्थन करन तों इलावा 23 अप्रैल में जिहड़ा कि अजनाला थाने दे विच हमला किया गया सी, तो उस दे विच भी यह तीनों जिहड़े कि उह शामिल सी अते इन्हां तिन्हां दे उपर दोष भी लगे हुए ने। तो हुण इन्हां ने कहा गा कि साडे उत्ते गलत तरीके दे नाल NSA लगा के सानू नजायज़ तौर पर असाम दे विच रख्या गया गा, जिस दे मद्देनज़र इन्हां ने पटीशन दायर की सी हाई कोर्ट दे विच। इन्हां तिन्हां ने रुख किया सी, पर उस तो बाद हुण जिहड़ी सुनवाई है उह सोमवार तक मुलतवी कर दित्ती है।